हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज के हमारे एक और छोटी सी वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग आज जो बात करने वाले हैं, आज मतलब ट्रिक वगैरह की तो बात होगी नहीं, कि सीधी सी बात है कि यहाँ पे BGMI की जो है बैन की अपडेट आ चुकी है। आप सबको पता है कि BGMI जो है बैन होने वाला है, तो मैं यहाँ पे कुछ लेटेस्ट बताने आया नहीं हूँ। तो यहाँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो मतलब बैन BGMI के ऊपर से मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। तो मे भी आप लोगों को शायद ये थोड़ा सा पहले से बताओ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का एक आर्टिकल आया है जिसमें BGMI के ऊपर से जो अपडेट है उन्होंने दिया है कि मतलब ये जो पूरा जो चल रहा था सिनारियो, लगभग इंडिया मतलब जो गवर्नमेंट है वो 5 महीने से इस पर काम कर रही है, रिसर्च कर रही है कि BGMI को बैन करने के पीछे। और क्राफ्टन को भी ये चीज़ पहले से पता थी, ठीक है, कि जो है उनका गेम जो है बैन होने वाला है। इसीलिए उन्होंने EA स्पोर्ट्स वगैरह से जो भी है मतलब पैसा वगैरह सब निकाल लिया था, लगाना भी बंद कर दिया था। तो उन्हें पता था कि जो है उनका जो ऐप है वो बैन होने वाला है इंडिया में। तो ऐसा कुछ अपडेट जो था, ठीक है, तो आर्टिकल में ऐसा कुछ है कि यहाँ पे सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें जो शायद आपको सबको पता है कि BGMI के ऊपर से बोला गया कि ये आपका जो है, अगर ये इंडिया का ऐप बनाया गया है, मतलब आर्टिकल में ये गवर्नमेंट ने कहा है, अगर ये इंडिया के लिए ऐप बनाया गया है तो आप चाइना से शेयरिंग क्यों कर रहे हो, ठीक है, अगर सब कुछ इंडिया में हो रहा है तो आप शेयरिंग क्यों कर रहे हो चाइना से। तो ये पहला जो है इंडिया ने मतलब उनसे पूछा है। और दूसरी चीज़, अब इस चीज़ पर भी क्राफ्टन को रिप्लाई देना है, और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम बहुत जल्दी कम बैक करेंगे आने के लिए, ऐसा वैसा कहा गया। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको पता है कि 14 दिन यहाँ पे मतलब 14 डेज़ जो है गवर्नमेंट ने क्राफ्टन को दिए हैं प्रूफ करने के लिए कि आपका चाइना से कोई लिंक नहीं है, विथ प्रूफ, विथ आप हमें जो है प्रूफ कीजिए, सीधी सी बात है ऐसा उन्होंने मतलब बोला है, ठीक है। तो अब जो भी होगा वो तो आने वाले 14 दिनों में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्राफ्टन ने बोला है कि इंडिपेंडेंस डे के दिन हमें भी इंडिपेंडेंसी मिल जाएगी, और जो है इंडिपेंडेंसी मिलने का मतलब है कि अनबैन हो जाएगा, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अब वो तो अनबैन होगा या नहीं होगा, पहले एक और चीज़ सॉरी मैं बोलना भूल गया कि क्राफ्टन ने बोला है कि ये बैन नहीं है, अभी ये बैन नहीं है, सिर्फ इस ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से जो है हमारे एप्लीकेशन को हटाया गया है, वो भी बहुत जल्दी आएगा इंडिपेंडेंस डे तक, ठीक है, ऐसा क्राफ्टन ने भी बोला है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि मैं ये चीज़ पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ पढ़ी थी, तो जितना जितना मुझे याद आ रहा है मैं उतना उतना बताता जा रहा हूँ। तो ये ऐसा कुछ आर्टिकल था। तो अब यहाँ पे देखो बहुत सारे रीजंस है जिस चीज़ में मैं बताने वाला हूँ, कि जैसे देखो जो पबजी बैन हुआ था उसका रीज़न यही था कि अब हमारी और चाइना की कंडीशन वैसे भी अच्छी नहीं है, आप जानते हैं, ठीक है। तो इस वजह से पबजी को बैन किया गया था क्योंकि हमारा जो मतलब साइबर अटैक के बारे में शायद आपको पता होगा ना क्या होता है, नहीं पता है तो ठीक है, एक तरीके से ये समझ लीजिए ये जो नॉर्मल वार होता है ना, नॉर्मल वार इन द सेंस आप मतलब जो नॉर्मल वॉर होते हैं गन्स वगैरह फाइट, लोग मर रहे हैं, ठीक है चल रहा है। साइबर वॉर में क्या होता है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट्स हैं, मनी है, इन चीज़ पे अटैक हो सकता है, हो सकता है, होगा ये नहीं होगा ये, ठीक है, आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे जो है गैदर की जा रही है, आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन है, ठीक है, उस एप्लीकेशन के थ्रू आपका मोबाइल हैक किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना ये जो है साइबर अटैक के अंदर आती है। तो उस पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी, BGMI, उस BGMI के थ्रू आपका जो है मोबाइल हैक मतलब हैक हो सकता है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन तो वैसे भी उनके पास जा रही है, साथ ही साथ आपके बैंक अकाउंट्स पासवर्ड्स वगैरह जो सेव होते हैं Gmail ID पे, उसके थ्रू आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली जा सकती है, आपके बैंक अकाउंट्स खाली हो सकते हैं, तो इस तरीके साइबर अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो है गवर्नमेंट हमें उस चीज़ के लिए भी एक तरीके से अवेयर कर रही है, देखिए जो हम ये चीज़ भी सही है कि पूरी डिटेल अगर निकल के आती है तो अच्छी बात है, ताकि कोई लिंक ना निकले। और मैं चाहता हूँ मतलब आगे भी चीज़ चेक होती रहनी चाहिए कि जो है क्राफ्टन का कोई लिंक तो नहीं है चाइना से, और चाइना आजकल बहुत तेज़ी चाल चलता है, सबको पता है, ठीक है,
इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको भी पता है, और देखते हैं 14 डेज़ के अंदर अब क्या कुछ होता है। तो हाँ, जैसा मैं पहले कहता आ रहा हूँ कि एज अ गेम आप इसे लीजिए, है ना, ज़्यादा अटैचमेंट किसी भी चीज़ से, मैं सिर्फ गेम के लिए, किसी भी चीज़ से, ना पर्सन ना गेम ना थिंग, किसी भी चीज़ से आपको अटैचमेंट रखनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ अपने फैमिली से रखो, इसके अलावा कुछ भी सब मौका, है ना। तो अटैचमेंट सिर्फ अपनी फैमिली से रखी है, बाकी ना गेम ना चीज़ कुछ नहीं। बाइक है, बाइक टूट गई मिल जाएगी, ख़राब हो गई मिल जाएगी, मतलब ऐसी चीज़ों से अटैचमेंट रखने का कोई फ़र्क नहीं, मतलब बनता नहीं कुछ। क्या आप गेम में इतने सवार हो जाते हैं लोग, बाकी वही कुछ दिखता नहीं उन्हें। एक कुछ टाइम पहले मैंने आप मतलब एक जो मेरा दूसरा चैनल है, टेक न्यूज़ बता रहा हूँ, उस टाइम मैंने बताया था कि एक 16 साल के लड़के ने अपनी माँ को मार दिया सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए, BGMI की वजह से। अब जो भी रहा हो रीज़न वो तो नहीं पता, लेकिन इस तरह की न्यूज़ निकल के आई थी कि BGMI की वजह से उसके अपनी माँ को मार दिया, कि उसने माँ के लिए मतलब जो है मोबाइल वगैरह ले लिया था, गेम नहीं खेलने दे रहे थे। तो मतलब क्या है यार, इतना अटैचमेंट भी ज़रूरी नहीं है। घर वाले आपका भला चाहते हैं, कोई बुरा नहीं चाहता, सब जानते हैं, ठीक है। तो उनकी बात भी सुनिए, समझिए वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। आपकी स्टडी पे फ़र्क पड़ रहा है, आपकी लाइफ लाइन पे फ़र्क पड़ रहा है, आपकी आंखों पे भी। क्या होता है, एक तो डेवलपिंग एज होती है हमारी लगभग 20 तक, मतलब जो है 20 एज तक हमारी डेवलपिंग एज होती है, हम विकसित हो रहे होते हैं, प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। उस टाइम पे हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डेवलपिंग के टाइम पे ख़राब हो सकती है। आंखें मतलब जो भी है, चश्मा लगने का जो टाइम होता है ना, वो 20 तक होता है, ठीक है, नंबर आना 20 22 तक, उसके बाद आपकी आंखें सेट हो जाती है नॉर्मली उस टाइम से। फिर उसके बाद चश्मा आने का रीज़न भी यही है कि सिर्फ आप बहुत ज़्यादा पास से कुछ काम है, जैसे कंप्यूटर वर्क है, कुछ भी है, उन चीज़ों की वजह से बनता है, ठीक है। तो मैं फालतू ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।